हेलो दोस्तों, आज हम लोग राजनीति विज्ञान से अध्याय 6 गांव का प्रशासन पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, एक चित्र दिया गया हुआ है जिसमें गांव के कुछ लोग जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो गांव में झगड़ा से शुरुआत करते हैं। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। ये अक्सर लोग करते हैं, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें इस बात का ज़्यादा आइडिया होगा, बिकॉज़ हमारे गांव में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, जो खेत का, ये क्या बोला यहाँ पे, इस वर्ड का वर्ड को, जो खेत का जो मेड़ होता है उसको बढ़ा काट देते हैं, जिससे उन अपनी ज़मीन थोड़ा और आगे कर लेते हैं। तो ये गलत बात है, लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं जो ऐसा करने से नहीं बाज आते हैं। तो आगे देखिए क्या है। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। सोच लो, इतने बड़े आदमी होके भी वो ऐसी छोटी हरकत कर रहा है। जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है उसमें से भी वो सोच रहा है मैं हड़प लूँ। तो उसके घर पहुंचने के बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मज़दूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र, थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा करके शहर के एक बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। आगे, राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। खेत
क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून गो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। बिल्कुल, वो मैंने देखा हुआ है। जो हमारे गांव में, कभी मैं अपने गांव में गई हुई थी तो उस टाइम ज़मीन का नपाई हो रहा था, तो उस टाइम ये मैंने जो जरीब कहते हैं उसे देखा था कि वो कैसा होता है और कैसे नापा जाता है ज़मीन को। तो ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ किसका कर खेत की सीमा बदली गई है। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। तो उन्हें किसके पास जाना चाहिए था? पटवारी के पास जाना चाहिए था और उनसे बातचीत करनी चाहिए थी कि हाँ, हमारी ज़मीन में कुछ बदलाव किया गया है कि नहीं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। यहाँ ऊपर देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे गए, इनको पढ़ लेते हैं एक बार। ऊपर भी है कुछ पॉइंट्स ना। ये देखिए, पहले यहाँ पढ़ते हैं। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे? जो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस थाना आता है, हम वहीं पे जाके अपना रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ये सब आप हमें कमेंट्स के द्वारा बताएंगे। मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या क्या तर्क दिए वो भी बताइए। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। जो पुलिस थाना होती है उसका एक कार्य क्षेत्र निर्धारित किया रहता है कि इतने से इतने क्षेत्र तक आपको मतलब जायजा लेना है, उनकी रिपोर्ट दर्ज करानी है, कुछ लड़ाई झगड़ा होता है उनको सुलझाना है। तो हर चीज़ की सीमा मतलब क्षेत्र निर्धारित किया होता है। ये नहीं कि एक पुलिस थाना है तो पूरे हर जगह का रिकॉर्ड वहाँ पे रहेगा या हर जगह की रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज कराई जाएगी, ऐसा नहीं होता। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जाँच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्यवाही करे। लेकिन यहाँ पे ये पुलिस इसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा था। बहुत बार पुलिस वाले अपनी मनमानी करते हैं, जो रिपोर्ट लिखने में बहुत परेशान करते हैं।
सामने वाले को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, क्या कर सकते हैं। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए, फिर आप बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? उसको रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी या उसे ये बोलना चाहिए था कि आप अपने जो भी ज़मीन को नापना और जिसका रिकॉर्ड पटवारी के पास रहता है वहाँ जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उसको ये काम करना चाहिए था, बट उसने रूडली बात की। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों के लिए ज़मीन के अभिलेख रखता है, गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। जो बच्चे यहाँ पे गांव के होंगे उन्हें ये पता करना चाहिए कि जो आप अभी आपके जो ग्रामीण क्षेत्र का जो पटवारी है वो कितने गाँवों का अभिलेख, ज़मीन के अभिलेख को रखता है, और जो गाँव के लोग हैं वो पटवारी से किस तरीके से संपर्क में आते हैं। यहाँ देखिए, ये खसरा नंबर 5। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। खसरा 5 आई थिंक जो प्लॉट होता है ना उस तरीके का, इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। यहाँ देखिए, आप यहाँ नंबर लिखा हुआ है, क्षेत्र हेक्टर में, ज़मीन मालिक नाम, पिता या पति का नाम और पता, यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा, इस साल जोती गई जमीन, फसल क्षेत्र, अन्य फसलें, पड़ती जमीन, सुविधाएं। अब देखिए, पहला है क्षेत्र हेक्टेयर 0.75 हेक्टेयर है, जो कि मोहन वल्दराजा राम गांव अमरापुरा ज़मीन का मालिक और बटाई पर नहीं है, और फसल है सोयाबीन की, क्षेत्र है 0.75 हेक्टर, अन्य फसलें कोई नहीं है। उसके बाद दूसरा जो है 3.00 हेक्टेयर है, रघुराम वाल रतनलाल गांव अमरापुरा ज़मीन का मालिक है, नहीं है, फसल है गेहूं का, हेक्टेयर है 2.75 और अन्य फसलें हैं 1.75, यहाँ पर पड़ती ज़मीन है 0.25, कुआं है एक वो भी चालू है, तीसरा है 6.00 मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान है, ये भी बताई नहीं है, नहीं, कुआं एक है चालू, चारागा। अब ये देखिए, यहाँ ज़मीन का प्लॉट का वो दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मोहन के खेत में दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है? एक गांव अमरापुर है, पटवारी रिकॉर्ड है, उत्तर है सीमा या पैमाने पर नहीं है। यहाँ देखिए, ये जो लाइनें खींची हुई हैं और ये जो प्लेन लाइन है वह सीमा है, ठीक है। इसके बाद जो ये इस तरीके का है ये चारागाह है, और यहाँ जितने निशाने बनी हुई हैं इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। उसके बाद रघु और मोहन के ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। खेत संख्या 3 जो है को कौन इस्तेमाल कर सकता है? खेत संख्या 3 जो है वो क्या है? पेड़ है, ठीक है। खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है? 2 जो है वो है कुआं और 3 है पेड़। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते, लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहे हैं।
आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वे किस लिए ज़रूरी है। एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे एवं बेटियों में बांटना चाहता है। तो करता है इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल लेते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों में जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक ही मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए, सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। यहाँ पे देखिए स्रोत, रिफ्लेक्शन ऑन माई फैमिली, अंजलि मॉन्टेरियो टीस, मुंबई। बनाया है एक बिटिया की चा। विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या? बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण के अनुसार इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। इस पार्ट में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम के का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी
स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। ये देखिए उदाहरण है जो कि हम सार्वजनिक सभा, राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, दुग्ध उत्पादक समिति। आपने उनके काम के बारे में क्या देखा है? राशन की दुकान में, यह दुकान खुली हुई थी। 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे। सबने चावल और चीनी खरीदी, मिट्टी का तेल मिला नहीं। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र है, यह 2 गांवों के लिए हैं। इस सुविधा का लाभ है उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है? उनको राशन कार्ड की ज़रूरत है। यह तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है। जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्या है, मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं है। लोगों की समस्याएं हैं, चावल बड़ा ख़राब आता है, मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं है, और क्या सुधार किए जा सकते हैं? अच्छा चावल आए, मिट्टी का तेल मिले, राशन की दुकान रोज़ खुले। तो ये है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद है दोस्तों को आप लोगों को यह अध्याय समझ में आया होगा। आप लोग एक बार और अच्छे से पढ़िए, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं वो कमेंट्स में आप बताइए। जो समझ में ना आए उसको कमेंट्स में करके पूछिए। तो हम लोग अगले अध्याय में मिलते हैं। धन्यवाद।